एक तरफ सूखा और दूसरी तरफ हरियाली हरियाली है। तो गाइस ये व्रत से स्टार्ट होने से पहले की ट्रीट है। सच में दिल से बोल दो के पापा का आज मूत करा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रजवीर व्लॉग्स। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस अभी रात के 7:30 बजे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज सुबह से टाइम नहीं था। अब फाइनली टाइम आया व्लॉग बनाने का। तो गाइस अभी शाम मतलब रात को टाइम मिला, अभी मैं स्कूल से आया था तो मैडम की तो करवा चौथ की शॉपिंग हो चुकी है पूरी, है ना। अब मेरी शॉपिंग बाकी है। मेरी शॉपिंग में खैर क्या होगा, मैं एक कुर्ता ही सोच रहा था लेने के लिए। अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो जय श्री राम, कोई बात नहीं, हमारी शर्ट जिंदाबाद। मैंने मैचिंग की एक शर्ट निकाल ली है साड़ी के मैचिंग की, तो जस्ट अभी निकले हैं। बस फटाफट से जाके सीधा मार्केट में पहुँचते, मिलते हैं मार्केट में आपसे। तो सारा काम हो चुका है, ऐसे पार्लर का काम हो गया है, मेरा हेयर कट बाकी है, बीएड बाकी है, देखो शक्ल ऐसे ही हो रही है, मेहंदी लग चुकी है, मतलब फिटिंग मतलब ब्लाउज वगैरह भी स्टिच हो चुका है, सब कुछ काम हो चुका है, साड़ी रेडी हो चुकी है, ज्वेलरी सेट हो चुकी है, है ना। बस इसको सजना बाकी है और शीशा सजना है मुझे सजना के लिए। अभी अभी इसकी शक्ल देख लो और ऐसी हो रही है, कान नाक में कुछ नहीं पहन रखा क्योंकि थोड़ा सा ना मैंने खुला छोड़ दिया, हवा भी लगनी चाहिए हर वक्त ना, उनको बोझ की तले दबाए नहीं रखना चाहिए। पर बहुत मतलब बेकार फेस लग रहा है सच में, बहुत वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसे देखते नहीं है ना, और शादी से पहले तो मैं ऐसे ही रहती थी। ऐसे भी नहीं रहते थे कि बिल्कुल खाली है कान आपके। तो बस निकलते हैं, निकल तो चुके हैं, मिलते हैं मार्केट में, कौन सी दुकान खुली है, क्या है, मिलता है नहीं भी मिलता है, वैसे इनका पॉपअप ही होता है। कौन सी दुकान खुली है अभी? पूरा बाजार खुला होगा वैसे, मतलब 8:30-9 बजे तक बाजार बंद होगा और हम 7:30 बजे तक मतलब हमारे पास है 1-1.5 घंटा अगर हम टाइमली पहुंच जाए तो, क्योंकि इस टाइम रश का भी थोड़ा सा रहता है, ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है ना। तो और मुझे तो लेना ही है, निकू के लिए भी लेना था दिवाली के लिए, देख लेते हैं। तो दोनों की साथ में हो रही शॉपिंग। सृष्टि की तो शॉपिंग हो चुकी है पहले ही। अब क्या बताऊं, मिशन इनकम्प्लीट मिशन से हम लौट रहे हैं गाइस, बहुत दुखी होते हुए। एक तरफ सूखा और दूसरी तरफ हरियाली हरियाली है, देखो किस्मत अपनी। अब देखो इधर मतलब ओवरऑल सारी चीजें, यहाँ थोबड़ा भी बिगड़ा पड़ा है, काम भी नहीं हुआ, कपड़े भी नहीं मिले और मेरे एंड मोमेंट पे ही मुझे टाइम मिलता है चीजें करने का और वो चीज नहीं होती है। कुछ चीजें पसंद आती हैं तो वो काम खराब होता है उनका, मतलब अच्छी सूट नहीं करती है, ये चीज होती है। तो बस क्या बताएं, इस गम को छुपाने के लिए मैं जा रहा हूँ एक जगह पे जहाँ पे मैं थोड़ा अपना गम कम कर सकता हूँ। वो है जो जिंदगी में कितना गम है, अपना गम कितना कम है, वो सरप्राइज है आपको भी कुछ शेयर करेंगे हम। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी शर्ट पहन लूंगा, शर्ट जिंदाबाद, इसलिए मैंने शर्ट का ऑप्शन अपना रखा था। तो गाइज हम पहुंच गए सेक्टर 14 की मार्केट। तो यहाँ तो खाने पीने का मन कर रहा है कुछ, पहले सबसे पहले कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, मस्त जबरदस्त आइसक्रीम खाएंगे गाइस। आइसक्रीम खिलाऊं? इतनी मुश्किल लग रही है इसकी, आपने कैसे लुगड़ी ही ले रखी है। ये एक्चुअली मुंह पे बांध के घूम रही है डस्ट की वजह से, पार्लर गई थी तो डस्ट में इसको घूमना नहीं था इसीलिए। तो गाइस ये व्रत से स्टार्ट होने से पहले की ट्रीट है, सर की चल रही है। 11:15 बज चुके हैं और ये सोया चाप खाई जा रही है, ये देखो सारे सोया चाप। क्या होता है चलो। तो गाइस ट्रीट भी हो चुकी है, ट्रीट हुई है बस कपड़े नहीं हुए मेरे, और टाइम हो गया अभी 11:11 बज चुके हैं, 11 अभी नहीं हुए, 10 मिनट बाकी है 11 बजने में। तो चलो गाइस चलते हैं। आओ क्या हुआ ये कांच है तो वो चुप गया इसका आराम से, फोन का हाँ वो सीधा वहीं से टूटा हुआ है ना, वो स्क्रीन गार्ड उसका ग्लास। सोया चाप खा लिया मस्त, मतलब ऐसे भी होता है, मतलब कपड़े नहीं मिलने पे भी ट्रीट ही, मतलब वही इंसान देता है जिसको मन उदास है वही ट्रीट देता है ना।
सो गाइज फाइनली स्टूडियो पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 12:45, मतलब होने वाले हैं 12:45। अभी टाइम हुआ नहीं है, 15 मिनट है, 11:40 हो गए हैं और अभी हमारी फास्ट से पहले की चाय चल रही है। चाय मेरी कोक है, इसकी कोक है, हमारे <फैफड़े। laughs> तो ये हमारी अभी चाय चल रही है 12 बजे से पहले की, मतलब फास्ट से पहले, और चाय पीते हैं और इनका थोड़ा सा काम रह रहा है एडिटिंग का, थंबनेल वगैरह बना रहे हैं और फिर बस सोना है, फिर 12 बज जाएंगे। अच्छी बनी है चाय, अच्छी बनी है चाय, अच्छी बनी है thanks. और ये निक्कू ने बनाई है, थैंक्स, गुड जॉब। इस टाइम ऐसी ही चाय की, कड़क चाय की जरूरत होती है, तो वो मिल गई है। बस एक ही चीज की कमी रह गई कि कुर्ता नहीं मिल पाया मुझे बहुत कैसे घूर रहे हैं मुझे सच में दिल से बहुत दुख है दिल से दुख है ये दिख रही है, ये दुख है अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दे, पीछे छोड़ दे इसको, दुखी इंसान दुख बोलते हैं हाँ? दिल में अंदर में बहुत दुख, ये दुखी इंसान है गाइस बताना, ऐसे दुखी इंसान होते हैं हाँ? ऐसे दुख होता है, ऐसे जैसे ये दुख जता रही है ऐसे दुख होता है हाँ? सच में मुझे मेरे साथ का मैचिंग नहीं हो पाएगा, मतलब जो चीज सोच के चल रहे थे आपके साथ का मैचिंग नहीं हो पाएगा, इस चीज का दुख है या फिर मेरे को नहीं मिला इस चीज का दुख है दोनों खस खस के मर जाएगा गाइस, ये पूछोगे इसका दूसरा हाथ कहाँ है दूसरा हाथ कहाँ है ये जो दिखा दो, दूसरा हाथ टेबल के नीचे, ठन लग रही है झूठ, दूसरे हाथ को ठन लग रही है झूठ, झूठी ये एक्चुअली है ना, चूड़ियां पहन के आई थी अभी कि मैं चूड़ियां अपनी साड़ी वाली के साथ की मैचिंग वाली चूड़ियां दिखा रही थी, कौन किस डिजाइन के साथ पहनू वो बेटर लगेगी, दोनों अलग अलग हाथों में पहनी हुई थी, तो व्लॉग बनाने के लिए चूड़ियां भी निकाल दी एक हाथ की और दूसरे हाथ में चूड़ियां छुपा रखी है बताओ ऐसे ये दुखी इंसान है मूड खराब करके के पापा का आज मूत खराब पापा अपना मूत सो गई है, उसके घोड़े बिक चुके हैं आते हुए ना, वो तुतला के बोल रही थी, पहले तो बोल रही थी पापा अपना मूड खराब मत करो, फिर एक दो बात मैंने बोली तुतला के, फिर वो बोलने लगी और तब पापा का मूत खराब ये चाय दिख रही है ना मैंने बोला ए राम, कह रही है इसमें राम क्या करेंगे तो चलो गाइज अभी मैं फाइनल करता हूँ अपना व्लॉग और चाय खत्म करता हूँ, फिर बस 12 बजने में थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मिलते हैं आपको सुबह, ठीक है? सुबह बताता हूँ आपको सुबह का रूटीन। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रहा हूँ आप लोगों से और सुबह के बज चुके हैं 10:15 और व्रत हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं सोचता हूँ कि मैं वाइट ही करा लूँ, वाइट है, मुझे वाइट सबसे ज्यादा पसंद है, हाँ। और गाइस दिवाली के लिए वाइट है तो और कुछ जमेगा भी नहीं, हाँ हो जाता है ना, नहीं वाइट अलग ही चमकते हैं, कुछ दिन तो चमकते हैं फिर कुछ दिन चमकते हैं लेकिन फिर भी वाइट की वो तो रहती है, फिर वो जिसके लिए किया वो तो खत्म हो जाता है। यस पेंट हो रहा है दिवाली के लिए, दिवाली के लिए, दिवाली पे हम साफ सफाई करते हैं पेंट, शादी को महीने हो गए, दूसरे साल हो जाएगी अब, उसके बाद हमने कब किया था, दिवाली पे नहीं किया थे, दिवाली पे किया था, दिवाली पे किया था ना, लास्ट दिवाली पे भी तो किए थे भैया, तो ये सारे वाइट वाइट अच्छे लगेंगे हाँ। शादी अभी दिसंबर में आज है करवा चौथ, आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामना, सब व्रत रखना ठीक है, ठीक है, और दिवाली के लिए घर को बहुत सुंदर सजा कर रखना, पेंट करना, इनके हेयर कट करना, अपने हेयर कट करना, हम भी हेयर, हमने भी अपने पेड़ों का हेयर कट करवा दिया है, माली भी ऐसे हाँ हेयर कट करा दिए, अब उनके कपड़े सजवा रहे उधर उधर का गार्डन अच्छा हो गया भाई, अब बस यहाँ का थोड़ा सही है ना, जो यहाँ कवर नहीं कर पाए, वहाँ वहाँ का सही हो गया, वहाँ जो आप बांस लेकर आए थे ना
सेठ तो हमने यहीं पे डाले थे, निकल भी आए थे सब, लेकिन वो सेठ की वजह से सब। हाँ ये धूप, ये शेड है ना, कवर करता है, धूप नहीं आती इस वजह से। तो ठीक है गाइस, अभी फिलहाल इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं और अभी 11:45 तो हो चुके हैं। हमारे माली भैया पेंट कर ही रहे गमले और अब जाएंगे, घर जाने की तैयारी होगी कि नाश्ता वगैरह तो ये दोनों ही करेंगे हम दोनों। तो आज इसका तो अभी गया है, हमारे यहाँ कोई सरगी नहीं लेते, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ गाइस कोई सरगी नहीं लेते हैं। तो रही थी सुबह सुबह खाली सरगी, मैंने कहा आंटी हमारे यहाँ नहीं होती। हाँ तो जो इनके यहाँ सुबह खा लेते हैं ना सरगी वगैरह, पंजाबियों में होती है ना ये, तो हमारे 4 बजे उठ के खाना, हमारे यहाँ पे सरगी का नहीं होता कुछ भी। हमारे यहाँ सुबह से हम भूखे रहते हैं, मतलब 4 बजे शाम को ही सुन के तभी थोड़ा सा चाय पियेंगे और फ्रूट्स खा लेंगे। मैं तो मतलब खा लेती हूँ फ्रूट्स, हमारे यहाँ नहीं खाते, हमारे मतलब घर पे खाते ही नहीं है। हाँ पहले वो ये मैंने मम्मी, क्योंकि मैंने मम्मी को देखा है ना, मम्मी को मैंने खाते देखा ही नहीं है, कहानी सुनने के बाद भी मैंने खाते मतलब नहीं देखा है। वो सीधा जब पूरा चांद निकल जाता है ना तभी खाती है मम्मी, मतलब तभी खाती थी जब मैंने देखा था। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो अभी फिलहाल गाइस अभी का अपडेट ये है कि अब हम जाएंगे घर पे, तो हेयर कट लेना है मुझे, हेयर स्पा भी लेना है अपना, और पहले जाएंगे पार्लर। हाँ वहाँ से फ्री होके फिर घर निकलेंगे, मतलब नहा के यहाँ से रेडी होके तो चलेंगे, रेडी घर जाके होंगे। और मेरा जो कुर्ता नहीं मिला तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन मैंने एक मंगाया था, लेकिन वो ना थोड़ा पहनने में मुझे चुभ रहा था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कलर वो वाइन कलर था, डार्क प्याजी कलर जो इसको चाहिए। और अब देखना ये है कि वो कैसे मैं उसको पहन पाता हूँ, या फिर मैं शर्ट ही पहन लूंगा। वैसे मैं उसको रिटर्न करने वाला था तो उस पर डिपेंड है, अब आगे देखते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो की करवा चौथ है आज, तो अब नेक्स्ट व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये नहा हुआ इधर खड़ा हुआ है नंगा पुंगा। तो ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय बाय।